नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे मास्टर सेलर्स चैनल में। और आज इस वीडियो में मैं आपको दोस्तों लाठी का एक बेहतरीन सा स्टेप्स बताने वाला हूं। गौर से इस वीडियो को देखिएगा दोस्तों, एंड तक आपको समझ में आ जाएगा। पहला स्टेप आज बताऊंगा दोस्तों, और इसे आपको पर डे प्रैक्टिस में लाना है, पर डे प्रैक्टिस करना है, तभी वो आपको दोस्तों आ पाएगा। पूरी बारीकियों के साथ मैं आज आपको बताऊंगा, एक एक पिन पॉइंट को स्लो मोशन में करके बताऊंगा, ताकि आप सीख सकें। तो लाठी का मूव है, इसे स्टेप समझ पाना थोड़ी दिक्कत वाली बात है, बट आज मैं आपको बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगा कैसे आपको करना है। सबसे पहले मैं आपको दोस्तों ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप ऑनलाइन ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो उसका नंबर डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, आप वहाँ पे जा करके मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। माइनर सी फीस पे करके आप अच्छे से अच्छी ट्रेनिंग घर पे कर सकते हैं, और प्रमोशन भी दिलाया जा सकता है तो ऑनलाइन में ही। अगर आप प्रमोशन भी पाना चाहते हैं बेल्ट टेस्ट वगैरह का, तो वो भी आपको घर बैठे ही करा दिया जाएगा। चलिए फटाफट शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। लाठी जो होगी वो आपके सिर के आसपास होगी, सर से थोड़ी लंबी भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बीचों बीच का आपको इस तरीके से एंगल पकड़ना है, इस तरीके से। ये लाठी है, इसे बीचों बीच का एंगल पकड़ना है, देख लीजिए दोस्तों, ये है लाठी, इसको बीचों बीच से आपको इस तरीके से पकड़ना है, इस तरीके से पूरा पंच बांधना है। ये देखिए, अंगूठा अंदर, और ये जिस तरीके से पंच बांधते हैं, ये पंच बांधे हैं, अब इसी तरीके से आपको ये लाठी पकड़नी है। ये पकड़े दोस्तों, ये सीधी है लाठी, सीधी लाठी है, निचला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है नीचे का, ये उठेगा यहाँ से ऐसे। ये देखिए, हाथ यहाँ बाहर, जैसे पंच मारते हैं, हाथ यहाँ बाहर, ये उठेगा यहाँ, ये उल्टा हो गया हाथ, फिर ये आएगा इस तरफ को, फिर यहाँ से ये आ गया दोस्तों हाथ यहाँ पे, अभी ऐसे था, अभी यहाँ हो गया। ये देखिए, ये है, ये हाथ यहाँ सीधा हो गया, फिर निचले वाले हिस्से को उठाइए, नीचे वाले हिस्से को ऐसे उठाइए, फिर इसको इधर लेकर के आना, ये आना है, और जब आप इधर घूमेंगे तो हल्का सा टर्न होंगे, फिर आप इधर लेकर के आएंगे, फिर इधर टर्न होंगे, फिर आप इधर लेकर के आएंगे, फिर इधर टर्न होंगे, और यहाँ से आप इधर घूम भी सकते हैं। ये देखिए, ये इस तरीके से। तो अभी आपको क्या करना है, ये देखिए, ये खड़े हैं, निचले वाले हिस्से को ऐसे उठाएंगे, पहले बाहर, पहले इस तरफ जहाँ हाथ आपका खाली है उस तरफ ले जाना है, ये वन, फिर इसको दोस्तों यहाँ से ये टर्न कराना है, ये टू, फिर ये इधर आया, फिर ये थ्री। गौर से देख लीजिए एक बार फिर से, ये खड़े हैं, लाठी एकदम सामने खड़ी है, इसको बीचों बीच राइट हैंड से पकड़ना है, और जो नीचे वाला हिस्सा है इसको पहले सामने से ऐसे उठाइए, ऐसे, फिर इसको उठाकर इधर लाइए, इधर घूम गए, फिर इसको उठाते हुए इस तरफ को लाएंगे, इधर घूम गए, वन। देखिए, इसी में आप यहाँ से ऐसे घूम भी सकते हैं अंदर, ये देखिए, ये देखिए, समझ में आ रहा होगा दोस्तों आपको, मैं आपको क्या सिखाना चाहता हूँ। ये पहला स्टेप है, पूरा जो आपको कवच में पैक कर देता है, जैसे बहुत सारे लोग आपके ऊपर अटैक कर रहे हैं, पूरा आपका पैक हो गया, पूरा सिस्टम आपका जो है दोस्तों वो कवच में बन गया, उस चीज़ को करने का ये पहला स्टेप है। देखिए, ये खड़े हैं इस तरीके से, वन टू, वन, देखिए दोस्तों आप लोग कितना सिंपल है, तो बस आपको वन टू, वन टू, इस तरीके से आपको करना है। एक बार स्लो मोशन में देख लीजिए मैं कैसे कर रहा हूं, खड़े हैं, इस तरीके से। अब दोस्तों आपको क्या करना है, इस हाथ को चेंज करना है, दूसरे हाथ में लेना है, सेम उसकी भी प्रक्रिया यही होगी। ये है, खड़े हैं इस तरीके से, ये दोस्तों आपको क्या करना है, जैसे जिस हाथ से इसको निचले वाले हिस्से को यहाँ से इस तरीके से लेकर के आ रहे थे, इस तरीके से, ऐसे अब आपको इस हाथ को सेम उसी कंडीशन में करना है। ये है, ये इस तरीके से। कोशिश ये कीजिएगा कि आपकी जो पकड़ है वो स्लिप ना होने पाए, आगे पीछे खड़े हैं, कभी इधर आ जा रहा है, कभी छूट आगे चला जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। ये होगा तो आप लाठी कभी नहीं सीख पाएंगे, पकड़ आपकी एकदम मजबूत होनी चाहिए लाठी पे। खड़े हैं, ये देखिए, ये हाथ आया, नीचे वाले हिस्से को उठाना है, वन एंड टू, फिर ये इधर आ जाएगा, ये देखिए,
यह है, ये देखिए ये चल रहा है दोस्तों। अब देखिए एक बार इसमें रिदम कैसे बनाते हैं। यह है ये, ये देखिए ये इधर आया, इधर घूम गए, ये देखिए इस तरीके से। इसी पर डे आपको प्रैक्टिस करनी है और अच्छे से अच्छी ट्रेनिंग करनी है आपको इसकी। तो भाइयों कैसी लगी आपको ये वीडियो? आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा जो भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको दोस्तों समझ में आया तो नीचे कमेंट करके बताइएगा, नहीं समझ में आया तो मैं फिर से आपको ये ट्रिक बताऊंगा अगली वीडियो में और उसके आगे का भी स्टेप मैं आपको बताऊंगा। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।